कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल वृंदावन से कुंज और गौरांगी। तो आज आप सभी देख सकते हो कि ये रहे मेरे सारे आर्ट सप्लाईज। और आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी ड्राइंग में कौन से कलर यूज करने होते हैं। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा और कुछ जैसे शेडिंग पेंसिल्स, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे कलर्स है, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, अभी मैं बताऊंगा आपको वो मैकेनिकल पेंसिल जिनसे मैं स्केचिंग करता हूँ, रफ स्केचिंग। तो ये रही वो कुछ मैकेनिकल पेंसिल, और एक है इसमें फ्लेयर की, ये वाली, और ये वाली 40 रुपीज लमसम की है, ये वाली, और ये भी फ्लेयर की है, और एक पेन है 20 रुपीज की है, और ये एक सेलो करके नाम की एक कंपनी है, और इसकी ये है 10 रुपीज की एक मैकेनिकल पेंसिल। और इन मैकेनिकल पेंसिल के साथ है कुछ रिफिल्स, और ये रही वो रिफिल्स। तो ये वाली रिफिल्स है वो सेलो कंपनी की, और ये वाली रिफिल्स है फ्लेयर की। और ये ऐसी रिफिल मेरे को इस पेंसिल के साथ आई थी, और ये थोड़ी ओल्ड पेंसिल है इसलिए मेरे पास इसकी रिफिल खत्म हो चुकी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने कुछ आउटलाइनिंग पेन। तो यहाँ पे जेल पेन, इससे मैं आउटलाइनिंग करता हूँ, और सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ परमानेंट मार्कर आउटलाइन करने के लिए, जो कि मैंने इससे कल वाली वीडियो में यूज करा था हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर ड्राइंग बनाने में के लिए। और एक ये है ब्लैक पेन, और ये बहुत स्मूथ चलता है, और ये भी मैं आउटलाइनिंग के लिए यूज करता हूँ। और एक लास्ट पेन मैं यूज करता हूँ, वो है ये बॉल पेन फ्लेयर का, और ये है वो पेन। और ये सब मैं यूज कर, और ये जो आउटलाइनिंग के ये मैं यूज करता हूँ एनिमे करेक्टर्स की कलरिंग ड्राइंग में। और एक्रेलिक कलर में है मेरे पास ये कुछ ट्यूब्स कलर, मैंने अभी थोड़े ही ट्यूब्स कलर रखे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, अगर मैं रखता तो टेबल भर जाता। तो ये है वो कैमल लिंक है आर्टिस्टिक एक्रेलिक कलर्स, और इसमें ये कोबल ब्लू कलर है, तो ये कलर्स है। और इनके लिए, इनको करने के लिए कुछ मेरे पास ये ओल्ड ब्रशेज है, ये इनमें से कुछ फ्लेयर के हैं, कुछ ब्रूस्टो के हैं, पर ये ओल्ड वाले। और ये है मेरे न्यू जो मैं यूज करता हूँ एक्रेलिक ड्रॉइंग्स बनाने के लिए, ये है वो कलर ब्रूस्टो के लिए आपने। और ये है मेरे पास एक एक्रेलिक कलर, ये 350 का है, और ये बहुत बड़ा है, हाफ केजी के जितना। और जैसे ड्राइंग में हाइलाइट्स की जरूरत होती है, व्हाइट हाइलाइट्स की, उसके लिए मैं व्हाइटनर यूज करता हूँ। और मैं यूज करता हूँ ये एक रोल व्हाइट जेल पेन, ये वाला, ये है 195 रुपीज का। और ये मेरे कुछ इरेजर्स और शार्पनर जो मैं यूज करता हूँ, और ये रहे मेरे हाइलाइटर्स। और जैसे एनीमे का करेक्टर का ड्राइंग होता है तो उसमें मैं यूज करता हूँ ये ब्रश पेन, और डोम्स के ये ऑयल पेस्टल, ये ऑयल पेस्टल डोम्स के है, और इसमें है 50 शेड्स। और इसको मैं सीनरी में भी यूज करता हूँ, और ब्रश पेन को मैं जैसे कोई बर्थडे कार्ड बनाना है उसमें भी यूज करता हूँ, और जैसे मेरे को कुछ कार्ड बनाना है किसी के लिए तो वो भी करता हूँ। और ये मेरे पेंसिल कलर,
ये फेवर कैसल की, और इसमें 72 कलर्स हैं, तो इनको मैं यूज करता हूँ, इनको मैं यूज करता हूँ थोड़ी डिटेल ड्राइंग में। ये इनका इसका फर्स्ट लेयर और ये इसका सेकंड लेयर। तो यहाँ पे ये ऐसे लेयर वाइज आते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के, और इनसे ये इसी से ही मैंने अपनी वो पहले इससे पहले वाली व्लॉग में ये कलर मैंने यूज करे थे न्यू ईयर की ड्राइंग बनाने के लिए। और जब मैं ये एक्रेलिक कलर के एक ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे ये शिव जी है, इनको मैंने ड्रॉ एक्रेलिक कलर से बनाया है, तो उसके लिए एक वाटर का वो लेना होता है। तो ये है मेरे पास एक कंटेनर और ये मेरा पर्सनल कंटेनर है, मतलब इसको हम यूज नहीं करते वैसे किसी और चीज में, सिर्फ ये एक्रेलिक कलर और वाटर कलर के लिए। और ये मेरे पास ये वाले वाटर कलर्स भी हैं, ये और ये डिफरेंट कलर्स हैं, ये और ये डिफरेंट कलर है, ये एक्रेलिक कलर है, ये वाटर कलर है। और ये और इन सब कलर को यूज करने के लिए हमें चाहिए होता है पैलेट। तो ये है मेरा पैलेट और ये मैंने रख रखा है एक पॉलीथिन में, क्योंकि ये कलर्स सूख जाते हैं। और ये रहा मेरा पैलेट और यहाँ पे सारे कलर्स हैं, तो ये वाटर कलर है, तो इन्हें आप बार बार यूज कर सकते हो। और मेरे पास है ये कुछ ब्लेंडिंग स्टंप्स जो मैं शेडिंग में यूज करता हूँ। और मेरे पास है ये कुछ क्रेयॉन्स, ये मार्कर लगते हैं पर ये क्रेयॉन्स है, जब हम खोलते हैं ये क्रेयॉन्स है, तो इनको मैंने अभी तक यूज नहीं करा है, पर आने वाली वीडियोस में मैं इसे जरूर यूज करूंगा। तो ये रहे वो क्रेयॉन्स। तो फिलहाल गाइस अभी तो मेरे पास इतना ही सप्लाईज है, और अगर फ्यूचर में मेरे पास और सप्लाई आएगा तो मैं आपको वो जरूर दिखाऊंगा। और आप तो गाइस अभी मेरे पास सिर्फ यही सप्लाईज अवेलेबल हैं, तो जितनी मेरे पास सप्लाईज है वो मैंने आपको दिखाए, और आने वाले फ्यूचर में अगर मेरे पास कोई और सप्लाईज आएंगी तो मैं आपको जरूर अब हमारे वीडियो में दिखाऊंगा, हमारे चैनल में दिखाऊंगा। तो आपको हमारी मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।